हेलो स्टूडेंट्स, आई मोनिका सोर हूँ, एम इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव। टुडे वी विल बी लर्निंग द फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, मेजर लैंडफॉर्म्स पार्ट टू। नाउ गॉज इज अ डीप एंड नैरो वैली विथ स्टीप रॉकी वॉल्स। इट इज लोकेटेड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। इट इज यूजली फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर इरोड्स हार्ड रॉक्स वर्टिकली। अ गॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एन आई शेप्ड वैली एज इट इज शेप लाइक द लेटर आई। अब गॉज कैसे फॉर्म होता है? लेटर आई शेप फॉर्म कर लेता है वो भी इरोड करने से। वाटर इरोड होती है और उसको सीधे सीधे से बह रही है तो वो आई शेप फॉर्म हो जाता है। देन कैनियन, अ लार्ज वाइड स्टीप वॉल्ड एंड फ्लैट बॉटम वैली इज कॉल्ड अ कैनियन। यारलंग, जैंगबो, ग्रैंड कैनियन ऑन रिवर यारलंग जैंगबो इन टिबेट एंड द ग्रैंड कैनियन ऑफ रिवर इन कोलोराडो इन USA आर द एग्जाम्पल ऑफ कैनियंस। अब ये वाले क्या है? स्टीप वॉल्ड एंड फ्लैट बॉटम। वॉल्स कैसी होती है? जिसकी स्टीप हो जाती है घिस घिस के, और फ्लैट बॉटम हो जाता है उधर पानी उसके इरोजन की वजह से। एंड द फोर्स ऑफ द रिवर दिस थिंग इज फॉर्म। नाउ वाटरफॉल, व्हाट इज वाटरफॉल? अ वाटरफॉल इज फॉर्म व्हेन अ कास्केड ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम अ ग्रेट हाइट ओवर अ स्टीप वैली साइड। अ नायगरा फॉल इन नॉर्थ अमेरिका एंड द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका आर फेमस वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स देखो, ये वी शेप वैली आपको यहाँ पर दिखाई है न्यूजीलैंड में कैसे फॉर्म हुई है। एंड दिस इज गॉर्ज, हाउ इट इज फॉर्म सी ओवर हियर इन योर बुक दे हैव गिवन। दिस इज द ग्रेट कैनियन इन USA एंड विक्टोरिया फॉल्स। नाउ दिस फॉल्स वाटरफॉल्स ऑल ऑफ यू ऑल हैव सीन। दिस इज द वेरी वेरी ब्यूटिफुल सीन वी कैन सी एंड इट इज फॉर्मिंग अ स्टीप वैली बिकॉज इट इज फ्लोइंग विद अ वेरी ग्रेट फोर्स। बहुत फोर्स से बहता है वो पानी। So now your middle course will come. The middle course of a river is found in the gently sloping land of the plains. Here it is collected more water from its tributaries and becomes wider and slower and forms various landforms. Some of them are discussed below. Middle course में क्या होता है? इतना force नहीं होता ना, क्योंकि वो middle वाला part आ गया। Height पे से तो आ गया, वो तो आपका upper course था, but यहाँ पर थोड़ा सा slow हो जाता है flow river का। तो वो क्या करता है? Plain, slope lands, plain lands ऐसे form हो जाते हैं वहाँ पर and tributaries फॉर्म हो जाती है बिकॉज वो जो जो कट्स होते हैं जो लैंड में उसकी वजह से ट्रिब्यूटरीज फॉर्म हो जाती है रिवर की। सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ व्हाट थिंग्स आर फॉर्म इन दैट यू शेड वैली फॉर्म होती है मिडिल कोर्स की वजह से। क्या हो जाता है? यू शेड वैली। अ यू शेड वैली इज अ स्टीप साइड दैट कर्व्स इनसाइड एट द बेस ऑफ द वैली वॉल टेकिंग द शेप ऑफ द लेटर यू। इट इज फॉर्म व्हेन द वॉल्स एट द बॉटम ऑफ अ वी शेड वैली इरोड एंड वाइडन। द वैली फ्लोर इज फ्लैट एंड कवर्ड विद मड एंड सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर। अब ये यू शेप, वो जो वी शेप वैली है ना उसके नीचे ये यू शेप वैली फॉर्म हो जाती है फोर्स से, और वो वैली जो होती है वो फ्लैट होती है और वो मड और सिल्ट से कवर्ड होती है। देन यर विल रीड अबाउट द मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक। नाउ व्हाट आर मियांडर्स एंड ऑक्सबो लेक? अ मियांडर इज अ simply a band in a slow moving river. It is formed due to erosion, transportation and deposition. Due to the continuous erosion and deposition, the meander loops become almost circular and their ends come close to each other. अब देखो कैसे ये shapes form हो रहे हैं। आपकी नदी की जो बह रही है बहुत force है, वो अलग अलग shapes बना रही है। And here also what happened? Erosion और transportation और deposition की वजह से ये meander form होता है। Continuous erosion हो रहा है, पानी बहने से continuous erosion हो रहा है और deposition भी हो रहा है। वो जो eroded soil है वो आके कहीं जमा भी हो रही है। And the meander loop become almost circular. वो एक circular shape ले लेता है वो meander. And the ends come close to each other. और उसके जो ends होते हैं वो ऐसे इरोड होते आते जमा होते जाते हो जो जमा होते जाते हैं और वो ऐसे जुड़ जाते हैं वहाँ पर। एंड ग्रेजुअली द रिवर फ्लोज इन टू द शेप ऑफ लैंड बिकम द लूप। द सर्कुलर लूप दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इट्स कम्प्लीटली कट ऑफ विद द मेन चैनल। दिस इज नोन एज द ऑक्सबो लेक। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये जो लूप्स होते हैं ना ये स्ट्रेटनर कोर्स होता है। द सर्कुलर लूप दैट इज लेफ्ट बिहाइंड कम्प्लीटली कट ऑफ। जो जो लूप होता है ना एक साइड पे थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है, वो जुड़ नहीं पाता, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। दिस लैंडफॉर्म इज सो नेम्ड फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव कर्व्ड शेप रिजेम्बलिंग एन ऑक्सबो। ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये सारे शेप्स दिए, डिपोजिशन हो रहा है, देखो यहाँ पर सॉइल का इरोजन हो रहा है, यहाँ पर ये कट करते हुए इरोड होते हुए आ रही है। एंड देन यर द ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म। द न्यूली मियांडर स्टार्ट्स इन एनलार्ज एंड माइग्रेट डाउनस्ट्रीम।
This is the way the meander is formed over here. See, they have shown over here in this picture. Now, floodplains. What are floodplains? During the rainy season, a river usually overflows and floods the adjacent areas. When the water subsides, sediments, silt, and other materials are left behind. The coarser materials such as gravel get deposited on the river banks, while the smoother ones like silt and clay are deposited further away, forming a floodplain. अभी floodplain कब पहुँचे? जब flood आता है तो आपने देखा होगा जब वो पानी जब subside हो जाता है, पानी सारा बह जाता है तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे silt, बिल्कुल एकदम चिकनी जैसे मिट्टी और debris जो भी बह के आते हैं, plants, animals, human being also. So all these things they get accumulated, वहाँ पर पूरी जमा हो जाता है और वो जो जमा हो जाता है ना वो पार्ट उसको फ्लड प्लेन्स बोलते हैं. वहाँ पर वो पूरा वो प्लेन कैसा हो जाता है? वो फ्लड प्लेन इसे कहते हैं, वो पूरा सिल्ट और उसी से जो बहती हुई मिट्टी आई, वो गंदगी आई, उससे जो जमा हो गया ना उससे वो प्लेन बन जाता है वहाँ पर, तो उसको फ्लड प्लेन बोलते हैं. देन नेचुरल levees. Now what is levees? Natural levees are elevated slopes formed due to deposition of sediments, silt and other materials close to a river bank over time. These act as natural walls and can even help to direct the flow of the river. See this way, here they have shown in the picture how they have formed. See, before flood the land was how? It was simple plain land, but jaise hi flood aaya, dekho flood stage water level, ye pura flood se bhar gaya yahan par pani. Ab during floods thickness and coarser sediments deposited at the channel, yahan par जमा हो गई वो मिट्टी और सारी गंदगी जाके यहाँ पर जमा हो गई. एंड देन थिन एंड फाइन सेडिमेंट्स डिपॉजिट ओवर द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लड प्लेन, यहाँ पर थोड़ी सी थिन जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ जमा हुए. एंड नेचुरल लेवीज बिल्ट अप बाय द अप बाय मैनी फ्लड्स, और बहुत ज़्यादा तो फ्लड आया उससे क्या फॉर्म हो गया? ये लेवीज फॉर्म हो गई. दिस इज कॉल्ड द लेवीज आफ्टर मैनी फ्लड्स. बहुत बार 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 फ्लड आके जो जमा हो जाते हैं ना उसको वो लेवीज बोलते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ लेवीज. नाउ लोअर कोर्स. लोअर कोर्स इज वॉट? अ लोअर कोर्स ऑफ अ रिवर इज इन द प्लेन्स, सबसे नीचे जो पार्ट होता है प्लेन पार्ट. यर द रिवर बिकम्स स्लगिश पार्टली बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ द लैंड एंड पार्टली बिकॉज ऑफ द फोर्स विद विच इट फ्लोज इज रिड्यूस्ड. हैंस इट कैनॉट कैरी इट्स हैवी लोड एनी मोर एंड डिपॉजिट्स ऑल द सेडिमेंट एट इट्स माउथ. दीज डिपॉजिट्स एक्ट्स एज अ ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ द रिवर. द रिवर इज थस फोर्स टू स्प्लिट इन टू सेवरल स्मॉल चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज. लेट्स सी सम लैंड फॉर्म्स दैट आर फॉर्म बाय रिवर इन द लोअर कोर्स. ये लोअर कोर्स में क्या होता है? जब सब तरफ से पानी आके वो गंदा सा जो पानी होता है बहता हुआ आ रहा है, गंदगी लेके आ रहा है अपने साथ, सॉइल्स लेके आ रहा है एंड इरोडेड मटेरियल जो लेके आ रहा है वो आके यहाँ पर जमा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? एक ये सेडिमेंट ना पूरे वो जो माउथ है ना वहाँ पर आके जमा हो जाता है. एंड देन दिस ये जो डिपॉजिट होता है वो एक रिवर के बीच में क्या होता है? ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है बिकॉज इट स्टॉप्स द रिवर टू फ्लो ना इन फर्दर बिकॉज इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर हियर. और वो रिवर क्या हो जाता है? सेवरल बहुत सारे चैनल्स में वो बढ़ जाता है क्योंकि जहाँ से रिवर को पानी को जगह मिलती है वो वहाँ से बहता है, उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं. फ्रॉम वेयर एवर दे गेट द प्लेस. डेल्टा. डेल्टा इज अ ट्राइंगुलर शेप लैंड दैट इज फॉर्म इन बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटरीज. ये जो डेल्टा है ना वो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच में जो फॉर्म होता है वो है. नियर द माउथ ऑफ अ रिवर इट रिजेंबल्स द ग्रीक अल्फाबेट. ये इस तरह से ये ग्रीक का अल्फाबेट है जो ये वाला फॉर्म हो जाता है. रिवर गंगा ब्रह्मपुत्र हैव फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. इसी तरह से ये डेल्टा फॉर्म होता है. जो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हो जाती है ना उसको एक शेप बन जाता है. रिवर जो साइड से फ्लो होती है तो एक ट्राइंगुलर शेप हो जाता है, तो उसको वैसा एग्जाम्पल अपनी जो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र वो है. नेक्स्ट Now here we will learn about the estuary. Now what is estuary? All rivers do not form a delta. Sare rivers deltas nahi banate. A river which does not form a delta has a narrow opening at its mouth which gradually widens out into a sea. This is estuary. See, ye is tarah se form hota hai. The funnel shaped opening at the mouth of a river is called an estuary. Funnel shape. Funnel यानी कि आपने वो देखा होगा जब अपन एक क्यूब ऐसी होती है, देखो ऊपर से तो इस शेप की है, नीचे पॉइंटेड इस तरह से अपन उसमें से कोई भी चीज़ अपन स्ट्रेन करते हैं, दैट टाइप ऑफ शेप इट फॉर्म्स ओवर हियर. सी दिस वे एंड दैट इज कॉल्ड द एस्टुरी.